कंपनी है जो कि ये सारी फार्मिंग कर रही है। ये बिल्कुल ग्रीन हाउसेस बने हुए हैं जो कि उसके अंदर भी इसी तरह लगी हुई है। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वो जो टनल है उसके दरवाजे के ऊपर एक कमरा बना होता है ताकि उस कमरे के दरवाज़ा जो है वो बंद रखें और वहाँ से जो ठंड है वो अंदर ना जा सके। एक छोटी सी पनीरी हाउस से ये वाला बिजनेस स्टार्ट हुआ था लेकिन इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनके पास चाइना के 10 शहरों में बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ से ये ना सिर्फ पनीरी बेच रहे हैं बल्कि सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ कि यहाँ पे ये टनल फार्मिंग का इस्तेमाल करके कितनी ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। ये इसका रास्ता है, यहाँ पे कम्प्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, एक साइड से मिट्टी है दूसरी साइड से। ये देखिए जी, ये टमाटर का फॉर्म है, ये देखिए जी टमाटर कितने बड़े बड़े हैं। इस वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है बाहर वो तकरीबन 5 से 6 डिग्री के दरमियान है, यानी बहुत ठंड है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो टेम्परेचर है वो गर्मियों वाला मेंटेन किया है जिसकी वजह से जो पैदावार है वो बहुत अच्छी है। ये जो है ये बेसिकली टनल फॉर्म है जो गर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है और इसके ऊपर ये काला जो कपड़ा है ये फैला देते हैं गर्मियों में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और ये एग्जॉस्ट वगैरह लगे हुए हैं जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खोलने के लिए। जी फ्रेंड्स, इस वक्त मैं एक फुली ऑटोमेटेड प्लांट के अंदर हूँ। यहाँ पे देखें कंप्लीट कंट्रोल है, यहाँ पे जो पानी लगाते हैं वो भी फुली तौर पे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। यहाँ पे अंदर टेम्परेचर क्या है, कब पंखा चलना चाहिए, कब पंखा बंद हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो फुली तौर पे कंट्रोल हो रही हैं सेंट्रल कंट्रोल रूम से। और यहाँ पे ये जो इतना भी पौधे लगे हुए हैं ये नीचे ज़मीन में नहीं लगे हुए, ये स्पेशल मिट्टी है जिसके अंदर उसी मिट्टी में लगे हुए हैं जिसके अंदर ड्रिप इरीगेशन दी हुई है, अंदर ही पानी में आता रहेगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक और बाकी जगह सिर्फ जस्ट साफ रखी हुई है। तो यहाँ पे इसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि एक तो अंदर किसी किस्म के कोई भी कीड़े या कोई भी बीमारी नहीं लगती और दूसरा यहाँ पे ये एनवायरमेंट देने की वजह से इनकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए चूँकि ये सब ऑटोमेटेड है तो इसके लिए ज़्यादा बंदों की भी ज़रूरत नहीं है, पानी भी ऑटोमेटिक अपने सेंसर के हिसाब से चल रहा है, जो टेम्परेचर है वो भी सेंसर के हिसाब से कंट्रोल हो रहा है। अभी अंदर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 28 है तो अच्छी खासी गर्मी है, हमने चूँकि पहनी हुई है स्वेटर्स तो अंदर पसीना आ रहा है।